हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने जहाँ तक प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ठीक है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री हम लोग कवर कर चुके थे। तो चलिए देखा जाए कि हम लोग कहाँ तक कवर कर लिए थे। आई थिंक कि हमने हार्ट पढ़ लिया था सबसे पहली बात, देन हमने हार्ट बीट भी कवर कर लिया था, एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 11.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ओके, तो आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या बोल रहा है, रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द इंटायर लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव्ड किया जा रहा है एज अ वेस्ट मटेरियल, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से, ठीक है, थ्रू द लंग्स। तो ये कहाँ से वेस्ट मटेरियल को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं लंग्स के, मतलब थ्रू द लंग्स से, ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं ना दोस्तों, तो उसी समय, ठीक है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन। अब जो यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग इजेशन। तो इजेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे, ठीक है, डैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्टेज मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि जितने भी वेस्टेज मटेरियल है, ठीक है, तो वो हम लोग, मतलब अदर वेस्टेज मटेरियल जो है उसको हम लोग ऐसे रिमूव करेंगे अपने बॉडी से। ओके, यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर जो ये अनवांटेड मटेरियल्स है वो आखिर आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो कोई ना कोई फंक्शंस तो करते हैं, परफॉर्म तो करते हैं, अपना वर्क करते हैं, ठीक है, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज्ड। अब कोई भी वो वर्क करता है, फंक्शंस करता है, तो उसमें भी तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, तो वो रिलीज करता है हमारा सेल। ओके, दिस आर टॉक्सिक एंड हिंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो जो वो वेस्टेज, जो वेस्ट मटेरियल जो है, प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करता है, तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है, और इसीलिए हमें रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब दोस्तों यहाँ पे एक एक्सक्रीशन प्रोसेस है, तो उसको हम लोग समझेंगे। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो जो भी वेस्टेज होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो भी रिलीज हो रहे होते हैं, तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं हमारे सेल से, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब वैसा पार्ट, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस में, ठीक है, तो उस, मतलब उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो उस सिस्टम को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब ब्लड में भी कुछ वेस्टेज हैं, तो उसको भी रिमूव करना है, तो उसको हमें रिमूव करना है हमारे बॉडी से। हाउ कैन दिस बी डन, तो आखिर ये कैसे हो पाएगा, अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। तो एक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। अब ये ब्लड कैपिलरीज के द्वारा होगा, जो कि कहाँ पे होगा, किडनीज में होगा। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज, अब यहाँ पे दो किडनी है, ओके, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल सब्सटेंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो बोथ यूज, मतलब कुछ यूजफुल भी होंगे और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी होंगे। ओके, द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। तो जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो तो मतलब एब्जॉर्ब्ड होके फिर बैक इनटू द ब्लड में आ जाएंगे। द वेस्टेज डिसॉल्व इन वाटर एंड रिमूव्ड एज यूरिन। अब जो वेस्टेज होंगे तो वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और एज अ यूरिन रिमूव्ड हो जाएंगे हमारे बॉडी से। ओके, फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इन टू द यूरिनरी ब्लडर थ्रो। अब किडनी से वो यूरिन बन के कहाँ पर जाएगा, यूरिनरी ब्लडर में जाएगा, थ्रो ट्यूब लाइक यूरेट्रस, ठीक है,
इसको ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग यूरेटर्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसके द्वारा यू नो मतलब रिमूव्ड हो जाएगा. ओके, इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मैस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ठीक है कि जो वो स्टोर होता है कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद वो पास आउट हो जाएगा, यू नो कहाँ से, यूरिनरी ओपनिंग होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो यूरेथ्रा के द्वारा वो रिमूव्ड हो जाएगा, जैसे कि आप लोग फिगर 11.6 में आप लोग देख सकते हैं एक बार. ओके, देखिए यहाँ पे किडनी है, सबसे पहले ये ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है जहाँ पे इसको किडनी बताया गया है, ठीक है, उसके बाद यूरेटर है यहाँ से, फिर ये यूरिनरी ब्लडर है, यूरेथ्रा है या और यूरिनरी ओपनिंग है. ओके, तो ऐसे करके हमारा जो जो भी वेस्ट मटेरियल है ब्लड का, तो वो रिमूव्ड हो जाएगा. ओके, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है हमारा द किडनीज यूरेटर्स ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम. अब हमने पिछले अभी मतलब कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में है ना जो भी भाग लेते हैं, जो भी पार्ट लेंगे, तो वो सब कहाँ पे आ जाएंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम में आ जाएंगे. तो यहाँ पे किडनीज हो गए, यूरेट्रस हो गए, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, तो ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम में आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, एन अडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पासिस अबाउट प्यूरिन इन 24 आवर्स. तो ये कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 24 आवर्स में इतना यूरिन पासिस आउट हो जाते हैं. द यूरिन कॉन्सिस्ट ऑफ 95% वाटर. जो यूरिन होता है वो 95% वाटर कैरी करता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी करता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस डैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे. अब यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों कि हमने सबको एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी यू नो हॉट समर डे आता है तो हमें स्वेटिंग होता है. ओके, द स्वेट, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड साल्ट. तो जब हम लोग को स्वेट होता है ना, तो वो क्या कंटेन करता है, या तो वाटर या तो सैल्ट, मतलब दोनों कंटेन करता है. बुज्जू हैज सीन डैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स. दिस मार्क्स एज आर लेफ्ट बाई साल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बुज्जू है, ठीक है, तो वो यू नो ड्यूरिंग समर्स उसने ये देखा कि वाइट पैचेस आ जाते हैं हमारे क्लोथ्स पे, स्पेशली जहाँ पे अंडर आर्म्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे. तो ये बताता है कि जो स्वेटिंग होता है ना, तो उसमें साल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो जब भी हम लोग स्वेट करते हैं तो उसमें ऑफकोर्स साल्ट प्रेजेंट होता है. तो ये इसमें ये बोल रहा है, डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शंस. क्या जो स्वेट है वो अदर फंक्शंस भी करता है. वी नो डैट द वाटर केप्ड इन एन अर्थ पॉट इन मटका इज कूलर. अब हमें ये पता है कि जब हम लोग किसी भी वाटर को यू नो मटके में रखते हैं तो वो कूल रहता है. दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम द पोरस ऑफ द पॉट. पॉट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोरस होते हैं, तो वहाँ से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, विच कॉजेज कूलिंग, जो कि यू नो ठंडा रखता है, ठीक है, हमारे मटके को. मटका तो ठंडा रहता ही है भाई, और उसमें जो वाटर है वो भी ठंडा रहता है. ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है. नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे वन सेकेंड, यहाँ पे ये बोल रहा है, सिमिलरली वेन वी स्वेट इट हेल्प टू कूल आवर बॉडी. तो जब हम लोग स्वेटिंग करते हैं ना, तो हमारे बॉडी को कूल रखता है, ठीक है, स्वेटिंग जो है वो हमारे बॉडी को कूल रखता है. यहाँ पे ये बोल रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे एक बॉक्स वाला देख लेते हैं. पहेली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स आल्सो यूरिनेट. अब यहाँ पे ये पहेली सोच रही है कि जो अदर एनिमल्स हैं तो वो भी क्या यूरिनेट करते हैं. द वे इन द विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेस्ट केमिकल आर रिमूव्ड हमारे बॉडी से, ठीक है, तो वो एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो वाटर के ऊपर डिपेंड करता है एनिमल्स के बीच में, ठीक है. और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जैसे कि फिशेस हो गए, ठीक है, तो वो एक्सक्रीट सेल वेस्टेज हैं एज अ अमोनिया. एज अ अमोनिया विच डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली कहाँ पे डिजोल्व हो जाता है, वाटर से डिजोल्व हो जाता है. उसके बाद जो लैंड एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए, लिजार्ड्स हो गए, स्नेक हो गए, तो वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं, सेमी सॉलिड, ठीक है, वाइट कलर का होता है यूरिक एसिड. ओके, और जो ह्यूमन है वो तो आप लोग ने देख लिया, ठीक है, कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसका है यूरिया. नेक्स्ट है, समटाइम अ पर्सनस किडनीज मे स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि समटाइम्स पर्सन का जो किडनी होता है वो स्टॉप, मतलब वो रुक जाता है काम
काम करना, वो ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन के द्वारा, या ड्यू टू इन्फेक्शन या फिर ड्यू टू इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेल्योर. तो ऐसे रिजल्ट आता है कि किडनी फेल्योर भी हो जाते हैं जब इन्फेक्शन के द्वारा या फिर इंजरी के द्वारा जो हमारा किडनी होता है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है, फंक्शंस करना अपना बंद कर देता है. वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड. अब जो वेस्ट, अब जैसे कि किडनी ख़राब हो जाएगा तो जैसे कि ब्लड प्यूरीफाई तो नहीं हो पाएगा ना, हमने इसमें पढ़ा ना कि जो किडनी होता है वो ब्लड को प्यूरीफाई करता है, ठीक है. तो जब हमारा किडनी ही ख़राब हो जाएगा, वो अच्छे से फंक्शंस नहीं करेगा, तो फिर जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट है, मटेरियल है, तो वो तो एक्यूमुलेट होने लगेगा ब्लड में. तो यहाँ पे वही बोल रहा है, सच पर्सन इज फिल्टर्ड periodically through an artificial kidney, this process is called dialysis. तो अब वैसे इंसान को यू नो आर्टिफिशली जो है उसको फिल्टर किया जाता है और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं. ओके, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेसिकली. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 11.3 जो कि हम लोग पार्ट 5 में करने वाले हैं, बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हम लोग पार्ट 5 में कवर करेंगे. अब बाकी ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो ज़रूर देखें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा. बाकी आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.